हाई एवरी वन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कि नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको मिला है फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इसको ये भी बोलते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी दिस हैज़ बीन अवॉर्डेड टू अ स्वेडन साइंटिस्ट हिज नेम इज़ सुवानते पापो इनको ये अवार्ड मिला है नाउ लेट सी कि इनको ये अवार्ड क्यों मिला है नाउ लेट सी कि उनको ये अवार्ड क्यों मिला है ही हैज़ बीन अवार्डेड फॉर डिस्कवरिंग दैट हाउ डज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हाउ डज इट इम्पैक्ट मॉडर्न डे ह्यूमन यानी कि जो हमारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं उसका मतलब क्या हुआ जैसे कि आपको पता है हम डायरेक्टली बॉर्न नहीं हुए हैं एज अ ह्यूमन हमारा इवोल्यूशन हुआ है पहले वी वर मंकीज और धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे वी एव इवॉल्व ह्यूमन सो so, ये जो हमसे जो पहले स्पीशीज थी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उन स्पीशीज का जनॉम हाउ डज इट इम्पैक्ट मॉडर्न डी ह्यूमन उन स्पीशीज़ का जिनोम कैसे आज के ह्यूमन को इम्पैक्ट पड़ता है ही हैज़ डिस्कवर्ड दिस थिंग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हीज़ स्टेब्लिश्ड कि एक एक्सटिंक्ट एक 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 स्पीशीज़ थी जिसका नाम था नियंडरथाल सो so, ये जो स्पीशीज़ का जिनोम है जो डीएनए है ये आज के हमारे मॉडर्न डे जो ह्यूमन है उसका इम्यून सिस्टम इम्पैक्ट डालता है सो ही हैज़ डिस्कवर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स नेक्स्ट ही हैज ऑल्सो डिस्कवर्ड अ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जिसका नाम है डेनिसोवा इस स्पीशीज़ के बारे में हमको पहले नहीं पता था कि ये एग्जिस्ट करती थी लेकिन ही हैज डिस्कवर्ड कि ये स्पीशीज़ भी एग्जिस्ट करती थी उसका नाम है डेनिसोवा सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय थैंक यू